यस एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन बहुत होता है इस तरह के क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को करने का अप्रोच होता है प्रॉपर कि मल्टीनोमियल थ्योरम से करें, पर इसकी शॉर्टेज भी मैं बताता हूं और कंसेप्ट भी बताता हूं और फिर मल्टीनोमियल थ्योरम भी बताऊंगा। आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। आउट ऑफ 5 एप्पल्स 10 मैंगो एंड 15 ऑरेंजेस एनी 15 फ्रूट टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 पर्सन देन द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझिएगा। आपके पास 5 एप्पल्स हैं, 10 मैंगोज हैं और 15 ऑरेंजेस हैं, राइट। अब बात यह हो रही है कि इनमें से दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है मान लीजिए वाई, तो ऑब्वियसली 15-15 फ्रूट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब दो की जगह इसमें सोचिए कि अगर मैं एक ही को 15 दे दूं तो बचे हुए को अपने आप ही 15-15 मिल जाएंगे। ऐसा भी सोच सकते हैं कि दो बकेट है जिनमें 15-15 आपको डालना है। अब कुछ नहीं बोला गया है तो इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जीरो भी हो सकता है, यानी आप जीरो एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल या 5 एप्पल तक दे सकते हैं, यानी एप्पल टोटल वेज होंगे 6। ऐसे अगर मैंगोज की बात करें तो 0, 1, 2, 3 अप टू 10, 11 पॉसिबिलिटीज होंगी मैंगोज की। और एप्पल और मैंगोज जितने भी आए होंगे बचे हुए फ्रूट जो होगा वो ऑरेंज से फिल हो रहा होगा। मान लीजिए 2 एप्पल 2 मैंगो है 4, तो 11 मैंगोज होंगे उसके पास। सिंपल सा तरीका, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 11, देन आंसर इज 66। अब इसका बेसिक फंडा क्या समझिएगा, अगर इसको मैं कंसेप्ट से चलूं मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू समझूं तो ये एक्चुअल में हुआ क्या होगा वो भी हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ होगा देखिएगा, सबसे पहले हम समझे कि इसमें लॉजिकली एप्पल्स आप दे सकते हैं 0 से लेके मतलब x की पावर 0 यानी 1 एक्स एक्स स्क्वायर से लेके एक्स 5 तक, मैक्सिमम 5। सिमिलरली अब आप एक्स वाई जेड लेके उसके आगे x भी ले सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x पावर 10 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x पावर 50। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमने इक्वेशंस में सीखा हुआ था कंसेप्ट x1 प्लस x2 प्लस x3, वही कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आप या तो 5 एप्पल तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 0 से 6, 10 मैंगोज तक और 15 ऑरेंजेस तक। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखिए क्या होगा, इससे पूरा कंसेप्ट बनता है इस क्वेश्चन का। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स 6 क्यों, क्योंकि टर्म 6 हो गए 0 इंक्लूड है, 1 माइनस एक्स पावर 11 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स पावर 16 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब लॉजिक से समझें तो ऐसा हो गया 1 माइनस एक्स पावर 6 1 माइनस एक्स पावर 11 1 माइनस एक्स पावर 16 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ 3, राइट। अब आपको इससे x की पावर 15 का कोफिशियंट निकालना है। आंसर आपने पहले ही बता दिया है, कंसेप्ट के लिए समझा रहा हूं, आपको x की पावर 15 का कोफिशियंट निकालना है। क्या करेंगे समझिएगा, इसमें से निकलेगा नहीं, इसमें केवल 1 काम का है तो ये बचे केवल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 1 माइनस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 11 और एक्स पावर 17 भी काम का नहीं, तो मैं केवल काम वाके वाले टर्म लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। समझिएगा इसमें केवल काम का है 1, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 6 और 11 काम का है, x पावर 17 भी नहीं है। जो चीज काम की नहीं होती मैं बोलता हूं वो भी मत लिखो, हर स्टेप हर छोटा से छोटा स्टेप लिखा हुआ आपका टाइम सेव करता है। अब देखिए इसमें अब जब मैं इसका एक्सपांशन करूंगा तो मुझे क्या क्या लगेगा, एक लगेगा 6 है तो 9, 4 और सीधा सीधा 15। अच्छा 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 का अगर जनरल टर्म बोले आर प्लस 1 टर्म तो वो होता है आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर आर, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर आर बेसिकली ये होता है। इसका क्या होता है आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर आर। तो आप मान लीजिए मुझे जैसे सबसे पहले निकालना, आपको ये तो पता सीधी जैसी होगी 1 प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर, मान लीजिए मुझे प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स पावर 4, जैसे एक्स पावर 4 काम आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपको 9, तो 9 रखिए यहां, तो 9 प्लस 1 10 11 बाय 255, तो आप लिखेंगे 55 एक्स पावर 9। अब एक्स की पावर 15 काम आएगा तो 50 रख दीजिए 16 17 बाय 2 8, राइट। अब यहां पर 17 8 जब 136 तो 136 एक्स की पावर 15 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे बोलूं
कि कोफिशियंट ऑफ, अब इतना करते तो आप देखिए कितना टाइम बढ़ जाता, x की पावर 15, तो क्या करते इस 1 का इसमें होता तो मिलता तो 136 माइनस 9 का इसमें होता तो मिलता पर नेगेटिव, इसका इसमें होता तो मिलता माइनस 136 माइनस 70, देन द आंसर इज 66। ये प्रॉपर अप्रोच है, यानी इस तरह से करना चाहिए। पर दूसरा जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया कि आप केवल मैंगो और एप्पल सोचिए जो कम है, बचे हुए अपने आप ऑरेंज से फिल हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।